सब्सक्राइब कीजिए हमारे स्वाद ऑफिशियल चैनल को और इस घंटे को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियोस मिस ना कर बैठे। हमारी कचौड़ी लंदन तक जाती है। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है जी और करीबन मेरी उम्र 67 साल है और मैं यहाँ पर 10-12 साल से कचौड़ी का काम कर रहा हूँ। पहले मैं कैटरिंग का काम करता था और उसके बाद मैंने कचौड़ी का काम डाला। करीबन 10-12 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पर और ईश्वर की कृपा से काम बढ़िया चल रहा है। मेरा काफ़ी दूर तक नाम है, फेमस कचौड़ी है मेरी, अलीगढ़ वाले गुप्ता जी की हींग वाली खस्ता कचौड़ी। करीबन 200 किलो आलू मान के चला है। सुबह 7 बजे मॉर्निंग में खुलती है और शाम को 7 बजे जो है सो बंद होती है। मेरी दुकान नेहरू नगर मेन मार्केट अग्रवाल शॉप के पीछे बैक साइड, शॉप नंबर 17। कचौड़ी लंदन तक जाती है और यहाँ पर एक सरदार जी रहते हैं और उनके लंदन में वहाँ पर बेटी और दामाद है। यहाँ से 50-60 कचौड़ी वो पैकिंग करा के ले जाते हैं और सब्जी हम जो है सूखी सब्जी देते हैं उनके लिए और तब वो वहाँ ले जाते हैं। और महीने में करीबन, मतलब एक महीने के बाद चक्कर लगता है, महीने में 1.5-2 महीने में तो वो हमेशा यहीं से लेके जा। एक ऐसी चीज जिसे आप ब्रेकफास्ट में खाएं, लंच में खाएं या फिर इवनिंग स्नैक्स में चाय की चुस्की के साथ, हर बार इसको जब भी आप खाते हैं तो एक वो खस्ता और करारापन आपको कुछ ना कुछ याद जरूर दिलाता है। हम इस समय हैं गुप्ता जी कचौड़ी वाला पे और हम इस समय ट्राई करने आए इनकी वर्ल्ड फेमस खस्ता कचौड़ी। वर्ल्ड इसलिए क्योंकि लंदन तक इनकी कचौड़ियाँ जाती है और इतनी अमेजिंग है कि लोगों ने हमें रिकमेंड किया कि आप जाके इनकी हींग वाली कचौड़ी ज़रूर खाइए, क्योंकि जब आप उस कचौड़ी की बाइट लेंगे ना आपको वो हींग का फ्लेवर आएगा। सबर है, इंतज़ार है, मुंह में पानी भी आ रहा है। गुप्ता जी क्या सच में बड़ी मज़ेदार होने वाली है? हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया होने वाली है और हमारी कचौड़ी फार्मूला 1 रेस में भी गई। क्या बात है, F1 रेस में? हाँ जी, क्या बात है, मतलब वर्ल्ड फेमस मैंने ऐसे ही नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि वर्ल्ड F1 में, लंदन में और पता नहीं कहाँ कहाँ गई है। इसलिए आइए ट्राई करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। अलीगढ़ वाले गुप्ता जी की पुरानी व मशहूर हींग वाली खस्ता कचौड़ी। नाम क्या नाम है गुप्ता जी? स्वाद भी बहुत अच्छा होगा गुप्ता जी। चलो, सो फॉर्चुनेट कि हम लोग यहाँ पे आए और हमने देखा कि गर्मा गर्म कचौड़ियाँ हमारे सामने ही तली जा रही हैं। जब कचौड़ी को आप तलते हुए देखते हैं तो उसका जो मज़ा है ना वो सचमुच अलग ही है। और हमारी किस्मत और भी अच्छी तब हुई जब गुप्ता जी खुद यहाँ पे बैठे हुए थे और वो खुद ही कचौड़ियों को बेल रहे थे और कढ़ाई में गर्म गर्म कढ़ाई में डाल रहे थे। और जब मैंने उनको देखा कि कितनी लगन और कितनी मेहनत से वो इस काम को करते हैं तो मुझे सचमुच लगा कि वाकई ही यहाँ पे लोगों की भीड़ उमती होगी और लोग यहाँ पे आके इकट्ठा होते होंगे और इनकी हींग वाली स्पेशल कचौड़ी खाते होंगे। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही है, मेरे से भी नहीं रुका जा रहा एंड आई ऑल्सो नो दैट यू ऑल्सो कांट वेट टू टेस्ट इट। सो आइए स्वाद लेते हैं इस खस्ता कचौड़ी का, हींग वाली खस्ता कचौड़ी का, और आपको बताते हैं उसका स्वाद। आ जाओ मेरे साथ। हम हैं इस समय गुप्ता जी की दुकान पर और मैंने इनको बोला कि आप अपनी हींग वाली कचौड़ी हमें खिलाइए। तो मैंने इनसे ना कचौड़ी अलग से भी ले लिया ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि जो ये पिट्ठी इसके अंदर भर रहे हैं उसका करारापन और उसका खस्तापन और जो उसका मसाला है वो कितने अच्छी तरीके से हर कचौड़ी के अंग के अंदर जा चुका है। ये देखिए, एवरी वेयर वेन यू सी, जब आप इन्होंने कचौड़ी को क्रश किया तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह पर मसाला है, हर जगह पर जो इसका मसाला है वो एक अच्छे तरीके से यहाँ पर फैल चुका है। उसके बाद इनके जो आलू हैं बहुत ही स्पेशल और बहुत ही अलग आलू हैं। जो बाकी जगहों पे जो आप आलू खाते हैं वो आलू एक्चुअली पीले कलर के होते हैं, उसमें क्योंकि रंग जो होता है वो पीला होता है, हल्दी पड़ी होती है। और इन्होंने मुझे बताया कि इसमें जो ये हल्दी डालते हैं वो भुनी हुई हल्दी डालते हैं इसलिए, और जो बाकी जो इनके स्पेशल मसाले हैं उससे ये रंगत आई है इन आलुओं के अंदर। जो इनके स्पेशल मसाले हैं उसी का सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स का इसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता। और हींग का इतना अमेजिंग फ्लेवर है कि मैंने अभी खाना भी शुरू नहीं किया और मेरे सामने ये कटोरी पड़ी है, मुझे इतनी अमेजिंग हींग की खुशबू आ रही है और साथ में मेरा ये पतीला।
मतलब आई कैन फील द हींग ऑन, बहुत ही अमेजिंग, मुझे टेम्पटिंग सा मजा आ रहा है, माउथ इज वाटरिंग, मुंह में पानी आ रहा है, अब मैं बोलूंगा नहीं, अब मैं सिर्फ खाऊंगा और आपको भी खिलाऊंगा। तो आलू थोड़ा सा हम और इस पर डालते हैं और कचौड़ी की एक बाइट लेते हैं, साथ में ये ऊपर मिर्ची का अचार भी देते हैं, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप मिर्ची का अचार भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये है एक वो बाइट जिसकी तलाश करते करते हम नेहरू नगर आ गए। यूं ही नहीं, इसका नाम हींग वाली खस्ता कचौड़ी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हींग का फ्लेवर अमेजिंग है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तो कचौड़ी खा के आपको ज्यादा भारीपन भी फील नहीं होगा, क्योंकि हींग पाचन के तौर पे काम करती है। और आपका जो, अगर आपको लगता है कभी भी फ्राइड चीज खाने के बाद कि आपका जो हैवीनेस आ रही है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि हींग आपने खा ली है और हींग से सारी एसिडिटी खत्म हो जाती है। एक और चीज़ जो इनकी स्पेशल है वो है इनका ये खुद का पिसा हुआ मसाला। ये मसाला है, अलग अलग मसालों से एक मिश्रण तैयार किया गया है। इसको आप कचौड़ी पे डाल के खाएं, इसको आप आलूओं पे डाल के खाएं, या इसको आप वैसे ही खाएं। हम इसको कचौड़ी पे डाल के खाएंगे क्योंकि वैसे ही लोग यहाँ पे खाते हैं और वैसे ही मेरे को गुप्ता जी ने बताया कि आप खाइए। ये देखिए, इससे थोड़ा चटकारा और बढ़ जाएगा, इससे थोड़ा करारापन और बढ़ जाएगा और मसाले का जो फ्लेवर है वो और दुगना हो जाएगा। लेट्स हैव अ बाइट ऑफ दिस। एक नंबर है भैया, मसाला बहुत अमेजिंग है। कचौड़ी के ऊपर मसाला डाल के जरूर खाना, स्वाद 100% दुगना हो जाएगा। इसकी कीमत मात्र 20 रुपए है, कैन यू बिलीव इट, सिर्फ 20 रुपए में दो कचौड़ी साथ में आलू, और आलू की रीफिलिंग जितनी मर्जी लो, कोई मनाही नहीं है। हमें अपने एक और सब्सक्राइबर मिल चुके हैं यहाँ पे, और ये मुझे बता रहे हैं हम बड़े टाइम से आ रहे हैं, आप कब से आ रहे हो यहाँ पे? 5 साल हो गए। 5 साल से, जब से 9th क्लास में था तब से आ रहे हैं। अब कितने बड़े हो गए, आप कॉलेज जा रहे हो? हाँ, कौन से कॉलेज जाते हो? अभी वो ओपन से करा अभी तो। क्या बात है, टाइम मिलता है, 12th पास करी है तो अभी ओपन से। तो कितनी फेमस कचौड़ी है इनकी ये बताओ पहले तो। अब जब से हमारे, हमें तो अच्छी लगती है, हमेशा यहीं आते हैं, जितना सारे दोस्त हमारे स्कूल के सारे बच्चे यहीं आते हैं। क्यों, खास क्यों है इनकी कचौड़ी इतनी स्पाइसी बनती है और टेस्टी होती है? अच्छा जी, क्या बात है। तो आप आते रहते हो रेगुलर? रेगुलर नहीं, अब तो जब भी चक्कर लगता है आते जाते, अब तो रेगुलर जब भी चक्कर लगता आ जाते हो। क्या बात है, देखिए हमारे सब्सक्राइबर भी यहाँ तक पहुँच चुके हैं, आप भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, आपको भी यहाँ पे आके इनकी जो खस्ता कचौड़ी हींग वाली वो जरूर ट्राई करनी चाहिए, करनी चाहिए ना भाई? या बिल्कुल बिल्कुल, आइए और ट्राई कीजिए, सिर्फ 20 रुपए कीमत है दो कचौड़ियों के साथ, ट्राई करना जरूर। अगर आप भी इधर आना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एड्रेस और गूगल लिंक दे दूंगा, जाइए गुप्ता जी की हींग वाली कचौड़ी ट्राई कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए कि हमें और कहाँ कहाँ जाके नई नई खाने को ट्राई करना चाहिए और हमें क्या क्या आपके लिए लेके आना चाहिए। खाने की तलाश हमेशा आपके लिए यूं ही जारी रहेगी, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप खाते रहिए, खिलाते रहिए और दिल लगाते रहिए। अगली बार मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई जगह पे, एक नई खाने की तलाश में। मैं आपको छोड़ दिए जाता हूँ इन कचौड़ियों के दृश्यों के साथ, इंजॉय कीजिएगा।